अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है द रियल वेल्थ, असल दौलत। आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना सीखेंगे और साथ ही जानेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी। इससे पहले वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द रियल वेल्थ, रियल जिसका मतलब है असल और वेल्थ का मतलब है दौलत, असल दौलत। वन डे, एक दिन, अ रिच मैन, एक अमीर आदमी, डिसाइडेड, फैसला किया टू टेक, ले जाने का हिज सन, अपने बेटे को, ऑन पर अ ट्रिप, एक दौरा, टू द कंट्री, मुल्क के। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि एक दिन एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को मुल्क के दौरे पर ले जाने का फैसला किया। द वेल्दी मैन, अमीर आदमी, वांटेड, चाहता था, टू शो, के दिखाए, हिज सन, अपने बेटे को, हाउ, कैसे, द पुअर पीपल, गरीब लोग, लिव, रहते हैं। सो ताके ही कोड, वो कर सके, अ बी थैंकफुल, शुक्र अदा, फॉर हिज वेल्थ, अपनी दौलत का। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि एक अमीर आदमी चाहता था कि वो अपने बेटे को दिखाए कैसे गरीब लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ताकि वो अपनी दौलत का शुक्र अदा कर सके। दे स्पेंट, उन्होंने गुजारे, टू डेज, दो दिन, ऑन अ फार्म, एक फार्म पर, ऑफ अ वेरी पुअर, जो कि बहुत ही गरीब फैमिली ख़ानदान का था, इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि उन्होंने दो दिन एक गरीब ख़ानदान के फार्म पर गुजारे। ऑन देयर वे, ऑन देयर, अपने वे, रास्ते, होम, घर के, अपने घर के रास्ते, द रिच मैन, अमीर आदमी, आस्क, पूछता है,
हिज सन अपने बेटे से। हाउ कैसे वाज था आवर ट्रिप, हमारा दौरा, विद के साथ, दिस पुअर फैमिली, इस गरीब खानदान के साथ। एंड और व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि अपने घर के रास्ते अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि हमारा दौरा एक गरीब ख़ानदान के साथ कैसा रहा है और आपने क्या सीखा है। द सन, बेटे ने आंसर जवाब दिया, आई, मैंने, सा, देखा, दैट, के, वी हैव, हम रखते हैं, सर्वेंट्स, नौकर, टू सर्व अस, जो हमारी खिदमत करते हैं। बट, लेकिन, वो, दे, वो, सर्व अदर्स, दूसरों की खिदमत करते हैं। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि बेटे ने जवाब दिया, मैंने देखा है कि हम नौकर रखते हैं जो हमारी खिदमत करते हैं, लेकिन वो दूसरों की खिदमत करते हैं। वी हैव, हम रखते हैं, वन डॉग, एक कुत्ता, एंड और दे हैव, वो रखते हैं, फोर, चार। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि हम एक कुत्ता रखते हैं जबकि वो चार रखते हैं। वी हैव, हम लेते हैं, वी हैव इम्पोर्टेड, हम खरीदते हैं, हम बरामद करते हैं, खरीदते हैं, लैंटर्न्स, लैंटीन, इन आवर, अपने, गार्डन्स, बाग में, एंड और दे, वो, हैव, और वो रखते हैं, स्टार्स, सितारे, एट नाइट, रात में। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि हम खरीदते हैं लैंटीन्स को अपने बाग के लिए, और वो और उनके पास रात में सितारे होते हैं। वी बाय, हम खरीदते हैं, आवर फूड, अपनी खुराक, बट, लेकिन, दे ग्रो, वो उगाते हैं, देयर्स, उनको। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि हम अपनी खुराक को खरीदते हैं लेकिन वो अपनी खुराक को उगाते हैं। वी हैव, हम रखते हैं, अ बिग पूल, एक बड़ा तालाब,
इन आवार अपने गार्डन बाग में। हम अपने बाग में एक बड़ा तालाब रखते हैं। बट लेकिन दे हैव वो रखते हैं अ क्रीक एक नाली दैट हैज़ जो रखती है नो एंड इख्तिताम पज़ीर नहीं होती, जो जिसका कोई आखिरी किनारा नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होती। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि हमारे बाग में एक बड़ा तालाब होता है लेकिन उनके पास एक ऐसी नाली होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। वी हैव हम रखते हैं लार्ज वाज वी हैव हम रखते हैं लार्ज वाज बड़ी दीवारें। हम बड़ी दीवारें रखते हैं टू प्रोटेक्ट टू लार्ज वाज बड़ी दीवारें। हम बड़ी दीवारें रखते हैं टू प्रोटेक्ट अस जो हमारी हिफाजत करती हैं। एंड लेक और दे हैव वो रखते हैं फ्रेंड्स दोस्त टू प्रोटेक्ट देम जो उनकी हिफाजत करते हैं। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि हमारे पास बड़ी दीवारें होती हैं जो हमारी हिफाजत करती हैं और उनके पास दोस्त होते हैं जो उनकी हिफाजत करते हैं। फाइनली आखिर में द सन एडेड बेटे ने मज़ीद कहा थैंक्स डैड अब्बा शुक्रिया फॉर शोइंग मी मुझे ये दिखाने का हाओ कैसे पुअर वो यार हम गरीब हैं। आखिर में बेटे ने ये मज़ीद कहा कि अब्बा शुक्रिया ये दिखाने का कि हम कितने गरीब हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।